बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी। तो सब कैसे हैं, ईद कैसी गुजरी आप लोगों की? मैं आई हुई अपनी आपी के पास और आज हम लोग जाएंगे मॉल। तो सोचा आप लोगों के साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर कर दूं आउटिंग का। और वहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को झूले दिलवाने हैं और थोड़ी सी ग्रोसरी करेंगे। तो लंच हम लोग घर के जाएंगे, पराठा रोल हमने बना लिए हैं और साथ में आपी ने बनाया है रसमलाई। तो ये खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं। चलो भाई चलो। अब हम लोग जा रहे हैं। हम आ गए शॉपिंग मॉल, चला जाए। चलाओ भी चले जी, आ जाओ भाई, बच्चों को झूला दिलवाने हैं। ये है इधर खाड़ी शॉप। ये फैमिलीज काफ़ी ज़्यादा आई हुई है यहाँ पर। चलाओ आओ ही। हम लोग जाने वाले हैं सबसे पहले फन दुनिया में, ताकि बच्चों को हम लोग रिफ़्रेश कर लें। उसके बाद हम लोग जो भी लेना हुआ उसके बाद ही लेंगे, क्योंकि ऐसे तो कोई भी शॉपिंग ये लोग नहीं करने देंगे। तो हम लोग जाते हैं फटाफट से थर्ड फ्लोर पे। चलें जी, फाइनली हम लोग पहुंच गए, अब जाते हैं अंदर। चलो भाई चलें जी। अब हम यहाँ से कार्ड ले लेते हैं जी। तो कार्ड में हम लोगों ने करवा लिए हैं 1000 रिचार्ज, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। सेकंड टाइम ऑलरेडी हम लोग आए हैं और यहाँ पे रश भी काफ़ी ज़्यादा है, हमें ग्रोसरी भी करनी है और घर वापस भी जाना है। तो कार्ड में ज़्यादा इसलिए हम लोगों ने लोड नहीं करवाया, ताकि हम लोग जल्दी से फारिग हो जाएँ यहाँ से। ठीक है, चलें जी। हम लोगों ने ले लिया है, अब हम बच्चों को धुलवा लेते हैं। झूले मोहम्मद आ जाओ। बच्चों की एक्साइटमेंट चेक करें आप लोग। ये बच्चों के लिए लॉलीपॉप्स वगैरह, एक डक शॉप है छोटी सी। जैसा कि हमारे पास काम है, तो फटाफट से इन लोगों को झूले दिलवाने के बाद हम वापसी के लिए निकलेंगे। तो चलें जी, जल्दी जल्दी अब हम लोग चलेंगे। यहाँ पे बहुत मज़े के झूले हैं, छोटों के साथ बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, ये तो बहुत ख़तरनाक सी एक कह लीजिए कि झूला है। छोटे तो जो चीखे मारते ही मारते हैं, बड़े भी ऐसे ही हैं, बड़ों का हाल भी ठीक है। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है, बहुत अच्छा है। सिटी में इस तरीके की रिफ्रेशमेंट बच्चों को एक वीक में एक दफ़ा लेके जाना चाहिए सबको। तो ये देखें, बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। Hey, okay.
सब झूलों में ये जो झूला है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, यहाँ पे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं बैठाना चाहिए, हम लोग तो बिल्कुल नहीं बैठाएंगे। देखें यहाँ पे जो लड़कियाँ बैठी हुई हैं वो भी चूहियाँ मार रही हैं बहुत ज़्यादा। ये तो झूले लेने के बाद हम लोग बच्चों को लेके देने लगे हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जैसा कि अंडा उबदान को बहुत पसंद है जो मेटल का बना होता है या प्लास्टिक का जो भी, ये देखें। और साथ में मोहम्मद भी कुछ लेगा। उनको चीज़ दिलवाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं वापसी के लिए। ये मैं बनाना था। जी हम लोग आ गए हैं फन दुनिया से बाहर और अब हम करेंगे थोड़ी सी ग्रोसरी, चलते हैं। ये है कैफेटेरिया, हम लोग लंच करके आए थे तो इस वजह से हम लोग तो कुछ नहीं खाएंगे, पानी वगैरह नीचे चल के पीते हैं। अब हम जाएंगे लिफ्ट से नीचे। नहीं उतरना नहीं है, उतरना नहीं है मोहम्मद, इधर ही फिर पाँव रखना। ये जो है ना ये छोटू बहुत तेज है। चलो जी, चलें जी। एक लिफ्ट से तो मैंने मोहम्मद को नीचे उतार लिया और वो खुद आया है, अब सेकंड से जाते हैं नीचे। चला जी। इन बच्चों ने तो बा जाएंगे। हाँ ध्यान से, ध्यान से। हाँ चला जाओ, कोई बात नहीं। भाई वो कह रहे हैं ले जाएं। चलाओ। यहाँ पे हमें एक अंकल ने कहा था कि जान फातिमा का बैग बाहर सबमिट करवा के जाएं, लेकिन हम लोग करवाने गए थे तो उन्होंने कहा है कि जो काउंटर पे भाई थे ना उन्होंने कहा है कि ये साथ ले जाएं, बच्चे का बैग है, तो इट्स ओके। तो हम लोग आ गए हैं अब, तो अब शॉपिंग कर लेते हैं। फटाफट से अपनी मर्ज़ी की जगह पे चले जाते हैं जहाँ से हम लोगों ने लेनी है। जान फातिमा के लिए थोड़ी सी पोनियाँ और घर के लिए थोड़ा सा सामान लेना है और बस फिर हम लोग वापस। हाँ जी, तो हम आ गए हैं जान की पोनियाँ लेने के लिए। बहुत अच्छी, मतलब यहाँ से पोनियाँ हर तरह की मिल जाती हैं, तो हम लोग मोस्टली यहीं से लेते हैं जान फातिमा की जो है ना ज्वेलरी और पोनियाँ। देखें खुद सेलेक्ट करेगी। चलें जी, फटाफट से ये जो चीज़ें चंद लेनी है लेके, तो फिर दूसरी चीज़ें लेके तो हम लोग जाएंगे वापस। फाइनली हम लोग आ गए हैं काउंटर पे, तो बहुत ज़्यादा रश है और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मोहम्मद जो है वो तो ट्रैली में ही बैठ गया, तो बारी हमारी अभी तक नहीं आई। उन्होंने कस्टमर काउंटर पे मुझे खड़ा कर दिया हुआ है, तो मैं काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ी हूँ। अब आ गई हमारी बारी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जल्दी से बिल बनवाते हैं और निकलते हैं वापसी के लिए। चलें जी, हम लोग फारिग हो गए हैं, लेकिन जान और उसकी मामा पता नहीं कहाँ गई हैं, तो हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। मोहम्मद बहुत ज़्यादा थक गया हुआ है और देखें नीचे ही बैठ गया है, अभी तक जानो उसकी मामा नहीं आई, तो देखें बेचारा नीचे ही बैठ। हाँ वो लोग भी आ गए हैं और अब हम लोग निकलने लगे हैं वापसी के लिए। तो आज बच्चों ने हमें बहुत ज़्यादा सताया क्योंकि भाई हमारे साथ नहीं थे और ये हमारा लाइफ का फर्स्ट चक्कर था जो कि हम लोगों ने अकेले किया है माल में, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा सताया है। तो आप लोग भी प्लीज़ काइंडली इनके ख़ास तौर पर फादर्स को ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि
इस तरीके से बच्चे जो हैं वो कवर कर लेते हैं और हम लोग इजी से शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। तो चीज़ें ज़्यादा ना लेने के बावजूद देखें रात हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं वापस घर। तो ये थी मेरी आज की रूटीन जो कि बहुत ही मज़े की थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।